शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफा जहां फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहां यूट्यूब चैनल। सो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज कंपैरिजन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन। आप कहेंगे कि मैम, हमने इससे पहले ऑलरेडी आर्टरीज को डिटेल से डिस्कस कर लिया, कैपिलरीज को डिटेल से डिस्कस कर लिया, वेन्स को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। ना सिर्फ इन सारी सारी ब्लड वेसल्स को हमने स्ट्रक्चर वाइज देखा बल्कि हमने उनका फंक्शन देखा, तो आज हम इनको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सो आज मैं आपकी आसानी के लिए इन तीनों ब्लड वेसल्स की जो नेचर है इनके साथ आपको कंपैरिजन करवाऊंगी कि इनका स्ट्रक्चर तीनों का कैसा होता है, तीनों का फंक्शन कैसा होता है। बेसिकली उन तीनों की करेक्टरिस्टिक्स को आज हम मोटी मोटी बातें डिस्कस करेंगे, जिसमें आपकी अगर कोई कमी बेशी रह गई होगी कंसेप्ट रिलेटेड तो वो क्लियर हो जाएंगी। तो आज आपको ये सारी की सारी समझना और आसान हो जाएगी, क्योंकि फर्दर हम वन बाय वन जब कोई टॉपिक समझते हैं तो हमें समझ आ जाती है, लेकिन जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो हमें डिफरेंस समझ नहीं आता। तो आज कंपैरिजन करवाऊंगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। सो मूव ऑन करते हैं, फर्दर वहाँ से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो मैंने आपके साथ नीचे शॉर्ट क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया और मैंने प्रॉपर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए। तो राइट अ फिजियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पेपर में पूछा जाता है। तो मैंने ना सिर्फ क्वेश्चन मेंशन कर दिए, सो मैंने प्रॉपर डिफरेंस वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ इन तीनों का डिफरेंस भी शेयर कर दिया। तो सबसे पहले हम एक करेक्टरिस्टिक रिलेटेड एक खसूसियत को आर्टरीज में भी डिस्कस करेंगे, उसी खसूसियत को वेन्स और कैपिलरीज में भी डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी इनका जो है वो कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टरीज थे, उसके बाद आपको पता है कि डेंस कैपिलरीज का स्ट्रक्चर बनता था, उसके बाद वेन्स बनती। तो इन तीनों का अब हम जो है वो कंपेयर करते हैं कि इन तीनों में क्या सिमिलरिटीज है, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम आर्टरीज की बात करें तो इनका काम ये है कि इन्होंने हार्ट से ब्लड को उठाना है और बॉडी पार्ट्स तक देना है, ठीक है, इनका तो ये काम हुआ। अब हम इनका फंक्शन देखते हैं कि वेन्स का क्या फंक्शन है। तो अगर हम वेन्स की बात करें तो इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना होता है और हार्ट में फेंकना होता है, तो ऑपोजिट काम होगा। अब आपको कंपेरिजन समझ आए कि इनका काम है कि इन्होंने हार्ट से बॉडी तक ब्लड को प्रोवाइड करना है, इन्होंने बॉडी से लेकर हार्ट तक, ठीक है। लेकिन कैपिलरीज की बात करें तो एक तो ये कि इन्होंने लिंक प्रोवाइड करना होता है आर्टरीज और वेन्स के दरमियान, दूसरा आपको पता है कि इनका एक काम यही है कि इन्होंने एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि तमाम आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, क्योंकि मैंने आपको पिछले ही टॉपिक में बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हुई लंग्स की तरफ जाती है। यही वजह है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि राइट एट्रियम और जो नीचे राइट वेंट्रिकल है ये वो पोर्शन है हार्ट का जिसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं कि वो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह अगर हम कंपैरिजन देखें वेन्स रिलेटेड, तो वेन्स का काम है कि इनमें तमाम का तमाम ब्लड जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज पल्मोनरी वेन। क्योंकि पल्मोनरी वेन की बात करें, मैंने आपको कहा था कि पल्मोनरी वेन वो वाहद वेन है जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हुए जो ऊपर लेफ्ट आर्टरी में वहाँ लेके जाएगी, ठीक है। सो जो पल्मोनरी वेन है वो वाहिद वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उसके अलावा जितनी भी वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन कैपिलरीज की बात करें तो मैंने आपको कहा था कि कैपिलरीज जो है वो जो है उनमें मिक्स ब्लड होता है, मतलब उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, ठीक है। तो आर्टरीज में रेड कलर शो कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और कैपिलरीज जो है वो इनमें मिक्स ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने वॉल्स डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आर्टरीज में भी हमने बताया था, वॉल्स को डिस्कस किया था, मतलब इस पॉइंट रिलेटेड हमने डिटेल डिस्कस की थी। तो ये जो वॉल्स का एक खसूसियत है, ये वॉल्स रिलेटेड जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ना, अब हम इन तीनों में देखेंगे, तो तीनों में आपको रिवाइज भी हो जाएगा, ना सिर्फ रिवाइज बल्कि आपको कंपैरिजन भी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आर्टरीज की बात हमने की थी, हमने कहा था कि आर्टरीज में कोई वॉल मौजूद नहीं होता, लेकिन यहाँ भी एक केस है, वो ये कि जो पल्मोनरी ट्रंक है ना उसके बेस में ज़रूर एक आप कह सकते हैं वॉल लगा होता है, और जो एओर्टा है उसके बेस में ज़रूर वॉल लगा होता है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है। तो जो पल्मोनरी ट्रंक है या एओर्टा है उसके नीचे ज़रूर वॉल होता है, वो आपको पता है सेमिल्यूनर वॉल होता है, यहाँ भी सेमिल्यूनर वॉल होता है, और जो एओर्टा है उसके बेस में भी सेमिल्यूनर वॉल होता है। तो ये जो आर्टरीज है इसके अंदर कोई वॉल मौजूद नहीं होता, लेकिन इनकी जो बेस है जहाँ से आर्टरीज का जो नेटवर्क है वो शुरू होता है, उनके
वेंस पे जरूर वॉल्व होता है, वो मैंने आपको बता भी दिया कि सेमी ल्यूनर वॉल्व कहलाते हैं। हाँ, वेंस की बात करें तो याद करें मैंने कहा था कि वेंस के अंदर जो है वो वॉल्व मौजूद होते हैं। याद करें मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया भी था कि ये वेंस हैं, वेंस के अंदर वॉल्व मौजूद है, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ बैक फ्लो को रोकना है कि जो ब्लड इनमें आ चुका वो अब हार्ट की तरफ ही जाए, वो वापस कैपिलरीज में या बॉडी की तरफ ना जाए, एक काम इनका ये। दूसरा इन्होंने हमने कहा था कि जो ब्लड फ्लो उसको इंक्रीज करना होता है, क्योंकि अब हार्ट में वापस जाना ब्लड, तो ज़रा ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने कैपिलरीज में कहा था कि कैपिलरीज में कोई वॉल्व मौजूद नहीं होता, अगेन इनके भी आप कह सकते हैं स्टार्ट में या बेस में ज़रूर मौजूद होता है, जिसको हमने प्री कैपिलरी वॉल्व बोला था। और वो जो कि प्री कैपिलरी वॉल्व था, ठीक है, वो ये था कि उसने क्या करना होता था, उन्होंने मेंटेन करना होता था, जो आर्टरी से ब्लड है वो बहुत हाई स्पीड में आता, तो उन्होंने ब्लड की अमाउंट और ब्लड की स्पीड को मेंटेन करना होता था। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने जो पॉइंट देखना ना, इन तीनों रिलेटेड जो हमने इन्फॉर्मेशन देखनी है वो हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर इन तीनों में कितना होता है, ठीक है। अगर हम आर्टरीज की बात करें, मैंने आपको कहा था कि आर्टरीज ने ब्लड को सबसे पहले हार्ट से रिसीव करना, और आपको पता है कि हार्ट ने इतना स्ट्रॉन्गली पंप करना होता है कि ब्लड जो है वो एक एक सेल तक जाए। इसका मतलब कि आर्टरीज सबसे पहले ब्लड को रिसीव करेंगी, तो जाहिर है इनमें जो ब्लड प्रेशर होगा वो हाई ब्लड प्रेशर होगा। हाँ, एज कम्पेयर टू अगर हम वेंस की बात करें तो वेंस में ज़रा लो होगा, ठीक है, क्योंकि वो वापस हार्ट की तरफ आ रहे हैं, तो उनमें नॉर्मली लो होता है, ठीक है, अगर हम कंपेरिजन करें तीनों में। हाँ, कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज में आप कह सकते हैं स्लोएस्ट होता है, सबसे कम होता है, फॉलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है, नॉर्मल सा होता है, इसमें कोई खास ब्लड जो है वो तेजी से फ्लो नहीं करता, ये वजह है कि हमें पल्स भी फील नहीं होती। वो पल्स रिलेटेड भी हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल। कहते हैं कि अगर हम आर्टरीज की बात करें, एक तो इनों में हमने डिस्कस किया था वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन का प्रोसेस, कि इनमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। दूसरा हमने कहा था कि इनमें क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई है, तो जाहिर है इनमें हमें पल्स फील होगी, हमें धड़कन फील होगी, हमें हार्ट बीट फील होगी, ठीक है। सो हमने कहा कि नेक के पास और जो कलाई है उसके पास हम इनको फील कर सकते हैं, इस हार्ट बीट को फील कर सकते हैं, पल्स को फील कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आर्टरीज होती है और आर्टरीज में ब्लड प्रेशर जो है वो जो ज़्यादा होता है, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें बहुत आसानी से वो डिटेक्ट करने के लिए मिल जाती है। वेंस की बात करें, नो पल्स, कोई हमें इनमें मूवमेंट फील नहीं होती, कोई पल्स फील नहीं होती, और इसी तरह कैपिलरीज में भी हमने कहा था कि कोई पल्स फील नहीं होती। एक तो ये भी है कि इनमें जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड प्रेशर है वो ज़रा लो होता है। हमने ना डिस्कस करना है कि अगर हम ब्लड फ्लो की बात करें तो वो रैपिडली कितना होता है आर्टरीज में, वो 400 से 500 मिलीमीटर पर सेकंड होता है इन एओर्टा, और फिर वो कम हो जाता है जैसे जैसे वो आर्टरीज और आर्टरी होल्स में आ जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हार्ट से आर्टरी एओर्टा और एओर्टा से आगे आर्टरी और आर्टरी से आगे आर्टरी होल्स, तो जितनी दूर ब्लड जाएगा उतनी ही वो ब्लड जो है वो स्पीड अपनी कम कर देगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि आगे कैपिलरीज नहीं आना है, तो ब्लड जो है वो अपनी स्पीड को कम कर देता है, संभल जाता है ब्लड स्पीड, ठीक है, क्योंकि कैपिलरीज में तो ना होने के बराबर है लेकिन बहुत लो है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि अगर हम इनकी बात करें तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो बहुत स्लो होता है, और अगर हम ब्लड फ्लो की बात तो वो स्लोएस्ट होता है। अब ये लास्ट स्लाइड है जिसमें हमने कुछ डिटेल डिस्कस करनी है, वो हम डिस्कस करेंगे बोर रिलेटेड। बोर मैंने आपको कहा था वो ल्यूमन है, वो अंदर वाली स्पेस है जो कि आर्टरीज के अंदर बिल्कुल इनर स्पेस, जहाँ से आप कह सकते हैं ब्लड ने फ्लो करना है वो होती है। सो अगर हम इनकी बात करें तो ये स्मॉलर होती है इनमें बोर, क्योंकि इनकी जो वॉल होती है आर्टरीज की वो थिक होती है। वेंस की बात करें, इनमें लार्जर बोर होता है क्योंकि इनकी जो वेंस की वॉल है वो थिन होती है। मैंने अभी आपको बताया था पीछे भी कि जो वेन्स है ना, इनकी दीवारें थिन इसलिए होती हैं क्योंकि जो इनके मिडल लेयर है उनमें मस्कुलर टिश्यूज जो है वो थिन होते हैं और फ्यू जो है वो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। लेकिन अगर हम आर्टरीज की बात करें, इनकी जो मिडल लेयर है वो ठीक ठाक मस्कुलर होती है, जिसकी वजह से वो उनकी जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं और जो अंदर स्पेस है वो ऑटोमेटिकली भी कम हो जाएगी। इनमें जो वॉल्स हैं वो थिन होती है, तो वॉल के जो अंदर दीवार है ना, ये जो अंदर बोर है वो जो है वो ऑटोमेटिकली स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। कैपिलरीज की बात करें तो इनमें लार्जर बोर होता है क्योंकि सेल ही वन सेल ठीक है, क्योंकि कैपिलरीज की बात करें वो जस्ट वन सेल ठीक होती है, इसलिए उनके अंदर बोर जो है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लेयर्स की बात करें तो इनकी जो थिक लेयर है वो हमें पता है कि मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है, फाइबर्स भी इनमें होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स भी इनमें मौजूद होते हैं, इनमें इलास्टिसिटी मौजूद होती है जो कि हेल्प करती है पल्स को जनरेट करने के लिए, या चेंजेस ऑफ पल्स भी आप कह सकते हैं, या जो ब्लड फ्लो के चेंज है वो भी हमें फील होता है। लेकिन अगर हम वेंस की बात करें तो इनमें थिन मस्कुलर लेयर है, मैंने अभी आपको बताया, और लेस इनमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, तो ये वजह है कि ये लेस इलास्टिक इन नेचर होती है। लेकिन कैपिलरीज की बात करें, इनमें तो ना मसल्स होते हैं
और ना ही इनमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जस्ट एक सेल होता है, बारीक सा सेल होता है, जो इनकी दीवारें भी बहुत बारीक होती है ना, क्योंकि हमने कहा था कि ये बहुत छोटे साइज में होती हैं लेकिन नंबर में ज़्यादा होती हैं, इसीलिए ये डेंस नेटवर्क बनाती हैं। अगर आर्टरीज की बात करें, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल रिलेटेड, अब हमने इन तीनों में कंपैरिजन देखना है। एक्सचेंज रिलेटेड बात करें तो इनमें कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल आर्टरीज में नहीं देखा जाता, जस्ट इन्होंने ट्रांसपोर्ट करनी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। वेंस की बात करें, इन्होंने भी जस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ट्रांसपोर्ट करनी है, इसमें भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं देखा जाता। लेकिन कैपिलरीज की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, और ये जो एक्सचेंज है वो हमें टिश्यूज और सेल्स के दरमियान और ब्लड के दरमियान देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी ब्लड के अंदर यूजफुल मटेरियल है, फूड हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, वो सेल्स तक जाने और सेल्स में जितना भी वेस्ट है वो दोबारा कैपिलरीज में आना है, और कैपिलरीज में जो वेस्ट आता है वो वेन्स को देते हैं, और वेन्स जो है वो वेस्ट हो गया या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें आता है और डीऑक्सीजनेटेड नेचर का ब्लड होता है, वो वेन से फिर दोबारा हार्ट में जाता है, और आपको पता है कि हार्ट ने फिर उसको फर्दर प्रोसीड करवाना होता है, लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेशन होती है, दोबारा लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड आता है और फिर बॉडी की तरफ आर्टरीज लेके जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमने आज वेन्स को दोबारा डिटेल से पढ़ लिया, सारे के सारे पॉइंट रिलेटेड मैंने आपको कंपैरिजन करवा दिया इन तीनों की नेचर में। उसके साथ साथ ना सिर्फ हमने इन तीनों को डिटेल से डिस्कस कर लिया, मैंने आपके साथ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को भी रिवाइज करवा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ना भी आई तो परेशान नहीं होना कमेंट सेक्शन के, इसलिए आपने क्वेश्चन पूछने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछा करें, और मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं बच्चों को रिप्लाई भी जल्दी देती हूँ। और लास्ट में यही कहूँगी, फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा, आपको मेरी समझ आ रही है तो जाहिर है अप्रिसिएशन तो बहुत ज़रूरी होती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। और लास्ट में यही कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन भी प्रेस करनी है, इससे आपका ही भला है। भाई क्या भला है, वो आप करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। सो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हमने एक और टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ ब्लड प्रेशर एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। इसमें क्या क्या डिटेल है, क्या क्या हमने सारी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी है, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपने यही करना है, आपने बहुत सारा अपना ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाजत, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।